सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब से अगले 3 महीने त्यौहार के भरे होंगे। देश भर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरे से लेकर दिवाली हो, छठ पूजा हो, गुरुपूर्व हो, क्रिसमस तक 3 महीने लगातार त्यौहार 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 ही रहते हैं। और इन 3 महीनों में जहाँ त्यौहार होंगे तो हमारा भी प्रयास है कि लोगों के मन पे मुस्कुराहट भी हो, खुशियाँ भी हो। सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों को नवरात्र यानी दुर्गा पूजा का प्रसाद समय रहते ही मिल गया है। माँ दुर्गा ने उन पर कृपा बरसाई है और उसके साथ ही सरकार ने भी उन पर कृपा बरसाई है। सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला किया है। बीते कई वर्षों से महंगाई भत्ता लगभग इसी समय बढ़ाया जाता है ताकि उत्सव के समय लोगों के पास कुछ अतिरिक्त पैसे हों। 7वें वेतन आयोग के आधार पर 4% बढ़ोतरी के हिसाब से वेतन पाने वाले सभी लोगों को 18,000 रूपए की बेसिक सैलरी पर डीए में 720 रूपए की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह मूल वेतन 25,000 रूपए होने पर ये बढ़ोतरी 1,000 रूपए प्रति माह हो जाएगी। इसी तरह 50,000 मूल वेतन पाने वालों को 2,000 रूपए प्रति माह का फायदा होगा। जिन लोगों का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 1,00,000 रूपए होगा, उनकी सैलरी में 4,000 रूपए की बढ़ोतरी होगी। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से दय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपये का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपये का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा।